प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में। प्रभु का धन्यवाद के भले ही दुनिया में आज कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी माहौल हो, की आराधना करने वाले लोग, परमेश्वर की पूजा और भक्ति करने वाले लोग, परमेश्वर ने ये मौका दिया कि हम ऑनलाइन माध्यम से हम परमेश्वर की आराधना करते रहे, परमेश्वर के वचनों से सीखते रहे। और आज के दिन के लिए, ये समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज हम सबको सिखाए, हमारे साथ बात करें, हमारी अगुवाई करें। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नाज़रेत आते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले हो, दयालु हो, अनुग्रहकारी हो। प्रभु हमारे नथनों में श्वास फूंकने वाले, हमें जिंदा रखने वाले आप परमेश्वर हो। प्रभु आपका दास कहता है कि परमेश्वर की कृपा के कारण हम नाश नहीं हुए हैं। प्रभु धन्यवाद कि आज का ये दिन दिया। प्रभु इस समय मैं मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने वाले हर एक लोगों के लिए, हमारी एचओपी कलिशिया और जितने भी लोग आज ये ऑनलाइन माध्यम से आज का वचन सुन रहे हैं, हमारे संग है, उनके सभी के पापों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। प्रभु यीशु मसीह नाजरी आपके लहू में हमें धोकर शुद्ध करें, हमें पवित्र करें। पवित्र आत्मा हमारे बीच को वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। प्रभु मैं मेरा हृदय, मन, आत्मा, शरीर, प्राण, मेरे विचार भी मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु मेरा उपयोग करें। प्रभु मैं नहीं, पर आपका आत्मा, आपका पवित्र आत्मा हम सभी के साथ आज बात करें। प्रभु इन परिस्थितियों को देखते हुए जो भी आप हमसे बात करना चाहते हो, ना मेरा ज्ञान, ना मेरी बुद्धि, ना मेरी तैयारी, ना मेरी वचनों की समझ, पर आत्मा सिर्फ आप हमारे साथ बात करिए। मैं आपके हाथों में समर्पित होता हूँ। प्रभु तेरी महिमा हो, सारा आदर सम्मान मैं आपको देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज पूरी दुनिया में दहशत है, डर का माहौल है, हर जगह शायद प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हमें दिखाई दे। कई लोग सोचते होंगे कि हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, कई लोगों के पास शायद खाने पीने का सामान ना हो, पर्याप्त पैसा ना हो, अनगिनत कई प्रॉब्लम है कि हम घर में बैठ बैठ कर थक गए हैं, पक चुके हैं। पर प्यारो, प्रॉब्लम में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सिर्फ हमें पता चलना चाहिए कि कहाँ से मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, कौन हमारी सहायता करेगा, कहाँ से मेरी सहायता आएगी, इन परिस्थितियों में कौन हमारी सहायता करेगा, सहायता मिलने का अल्टीमेट सोर्स क्या है, इस सॉल्यूशन सॉल्यूशन का अल्टीमेट सोर्स कौन है, कहाँ है। मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबल में से भजन संहिता 121 आप निकालिए, भजन संहिता 121। मैं आपको समय देना चाहता हूं, आप बाइबल साथ में रखिए और मेरे साथ भजन संहिता 121 आप निकालिए। पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, आप मेरे साथ वो पढ़ सकते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। सहायता इन दिनों में सभी लोगों को शायद किसी ना किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत है, किसी ना किसी प्रकार की मदद की जरूरत है। कोई ना कोई प्रॉब्लम में आप शायद सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है जिस परमेश्वर ने आसमान और जमीन बनाया है, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, वो परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है कि
कि मुझे सहायता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलती है। कौन सा परमेश्वर? जिस परमेश्वर ने आसमान और जमीन को बनाया है। सहायता, एड, हेल्प, हेल्प ओनली कम्स फ्रॉम गॉड। सहायता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है। ये भजन जो लिखा गया है, आगे हम पढ़ेंगे, तीसरी आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, पर उसके लिए, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वचन जो हमने पढ़ा, ये सुना, ओरिजिनली हिब्रू लोग और इज़राइल में पहले के समय में लोग जब आराधना करने के लिए यरूशलेम के मंदिर की ओर जाते थे, क्योंकि हर साल में कम से कम साल में एक बार वो वहां पर अपना अर्पण लेकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, भजन करने के लिए परमेश्वर वहां जाते थे। और उस समय पे वहां के जो रास्ते हुआ करते थे वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे रास्ते हुआ करते थे, और कई दिनों तक वो चलकर, कई दिनों तक सफर करके वो मंदिर तक, जो भक्त स्थान है, वहां तक पहुंचते थे। और उस रास्ते में कई बार दिन और रात उनको सफर करना पड़ता है, और उन सफर में उनको चोर लुटारुओं का डर है, उनको दहशत है कि शायद कोई हमें मार डालेगा, कोई हमारे पैसों के कारण जो अर्पण लेकर हम जा रहे हैं, जो पैसा लेकर हम सफर कर रहे हैं, जो भी हमारे पास है वो लूट लेने के लिए, शायद हमारे ऊपर वो अटैक कर सकते हैं, हमें मार सकते हैं, हमारा छीन ले सकते हैं। और एक डर में वो वहां पर जाते थे, और ऐसे डर के समय में, ऐसी मुसाफरी के समय में, अंधेरा जब होता था, फिर भी कई बार उनकी सफर जारी रहती थी, छोटे छोटे रास्ते होते थे, और शायद वो ऊपर या आसपास देखे तो सिर्फ पर्वत ही पर्वत, पहाड़ी ही उनको दिखाई दे। और ऐसे डर के माहौल में वो सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए, वो हिम्मत प्राप्त करने के लिए ये गाना गाते थे कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि आसपास पर्वतों के अलावा कोई कुछ नहीं दिख रहा है, रात में अंधेरा है, पहाड़ी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, और वो कहते थे कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आगे तीसरा वचन कहता है कि वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। प्यारो, हम उस परमेश्वर की पूजा और आराधना करते हैं, ईश्वर की हम भक्ति करते हैं, उस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं जो कभी सोता नहीं। यहोवा तेरा रक्षक है, परमेश्वर तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, वो हमेशा हमारी आड़ है, वो हमारी चट्टान है। सातवां वचन कहता है कि परमेश्वर सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यारो, फिर से हम पढ़ना चाहे, परमेश्वर सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आज सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी चिंता लोगों को क्या है? शायद हमें ये बीमारी हो जाए और शायद हम मर जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। परमेश्वर तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आज लोगों को भय है कि शायद हम बाहर जाएंगे, बाहर से आएंगे, हम बीमारी लेकर आएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा करेगा, अब से लेकर सदा तक वह तेरी रक्षा करेगा। सदा तक, कब तक? सदा तक। प्यारो, ये वचन आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, क्या लगता नहीं है कि ये वचन आज हमारे साथ बात कर रहे हैं? क्या परमेश्वर इन वचनों से हमें आज भी सामर्थ्य दे रहे हैं? आपको लगता नहीं है कि परमेश्वर हमें भूल नहीं गया है? परमेश्वर हमारे संग है, वो अपने वचनों के द्वारा आज भी आपसे और मुझसे बात करता है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को सब पता है, और वह परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। ऐसा लिखित वचन कहता है कि सारी विपत्ति से वह तेरी रक्षा करेगा।
वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करेगा, और अब से लेकर सिर्फ एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आज की जो महामारी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि मैं उसको ज्यादा नहीं, जब हम बोलते हैं उसकी एक अलग इफेक्ट है। आज की जो महामारी है जिससे दुनिया तड़प रही है, उसके नाम और उसके प्रकोप से ज्यादा तो लोग उसके डर से लोग मारे जा रहे हैं। प्यारो, इस बीमारी से ज्यादा मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस बीमारी से ज्यादा उस बीमारी का डर लोगों को मार रहा है। और इस माहौल में बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है कि हम इस डर को, इस बीमारी के डर को मार दें। इस डर को हमें मारना है, इस डर के ऊपर हमें जयवंत होना है। कैसे इस डर को मारोगे, कैसे खत्म करोगे इस डर को? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बीमारियां बहुत सारी है, ऐसी भी बीमारियां है जिससे हर रोज लोग इस बीमारी से भी ज्यादा आंकड़ों में लोग मारे जाते थे, पर वो उतना प्रमोट नहीं हुए। बीमारियां बहुत सारी है, पर इस महामारी का डर इसलिए है क्योंकि ये तेजी के साथ फैलती है और यहां तक कि वो मृत्यु लाती है। और वास्तव में इस बीमारी के डर के पीछे सबके मन में मौत का डर है, मृत्यु का डर है। तो मृत्यु के डर को हम कैसे मारेंगे, इस बीमारी के डर को हम कैसे मारेंगे, कैसे इसके ऊपर जयवंत होंगे, आप निकालिए मेरे साथ पहला करिन्थियों की पत्री नए नियम में। उसका 15 अध्याय 55 आयत से वर्स 55-57 पहला करिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसका 55 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सबने ये वचन निकाला है। 55वीं आयत से पहला करिन्थियों की पत्री उसका 15वां अध्याय वर्स 55-57। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंख कहाँ रहा। हम बात कर रहे थे मृत्यु के डर की। आज लोगों को जो भय है वो मृत्यु का भय है कि आखिर में शायद ये बीमारी किसी को लग जाए और वो मृत्यु हो जाए। प्रभु का वचन कह चुका है बहुत सालों पहले, प्रभु के उस बलिदान के बाद जब प्रभु मृत्यु के ऊपर जयवंत होकर तीसरे दिन वो पुनरुत्थान हुआ, उसके संकल्प में, उसके रेफरेंस में ये वचन है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था यानी कि नियम है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, 57वीं आयत, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, किसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह ने प्यारो आज से 2020 साल पहले क्रूस के ऊपर बलिदान अपने आप को करके, अपना पवित्र लहू बहाकर, अपना प्राण देकर और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर उस मृत्यु के डर को, मृत्यु को हरा दिया है, मृत्यु के भय से हमें छुड़ाया है। कैसे हम मृत्यु के भय से छुड़ाए गए हैं, मेरे साथ आप निकालिए इब्रानियों उसका 2वां अध्याय। हम देखना चाहते हैं कि इस मृत्यु, जो वास्तव में इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा डर यदि किसी को है तो वो है मृत्यु का डर, और उस मृत्यु को हरा दिया गया है। उस मृत्यु के डर से हमें छुड़ा दिया गया है। इब्रानियों उसका 2वां अध्याय 14-15वीं आयत इब्रानियों की पत्री उसका 2वां अध्याय 14-15वीं आयत इसलिए जबकि लड़के यानी कि मनुष्य, हम लोग
मांस और लहू के भागी है तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, उनके समान उसका सहभागी हो गया। ये यीशु मसीह के विषय में बात करता है, यानी कि हम मनुष्य है, हम शरीर में है, हमारे अंदर लहू बहता है, इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो परमेश्वर का अधिकार इस पृथ्वी के ऊपर है, परमेश्वर का मैनिफेस्टेशन है, परमेश्वर को यदि कोई इस संसार में प्रकट करता है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। वो हम मनुष्य है, हमारा शरीर है, हमारे अंदर लहू बहता है, इसलिए वो परमेश्वर भी मनुष्य बनकर इस संसार में आया, हमारे समान देह और लहू का वो भागी हुआ, सहभागी हो गया। ताकि क्यों वो मनुष्य बना? ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। जो निकम्मा कर दे वो ओरिजिनल इंग्लिश में लिखा है डिस्ट्रॉय, ही हैज डिस्ट्रॉयड शैतान, शैतान को डिस्ट्रॉय किया है। उसका जो ओरिजिनल ग्रीक शब्द है वो कैटार्गियो, यानी कि टू मेक ऑफ नो इफेक्ट। अभी उस मृत्यु की कोई असर नहीं रह गई है, पर किसके लिए? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। उसने इसलिए मनुष्य देह में इस पृथ्वी पर आकर अपना बलिदान किया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो पुनरुत्थान हुआ, ताकि इस दुनिया के अंदर वो जाहिर करे कि वो ही अपने आप में जीवन रखता है, वो खुद ही जीवन है और वो खुद ही पुनरुत्थान भी है। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं। मृत्यु के भय से हमें छुड़ा लिया गया है। वचन कहता है 15वीं आयत, और जितने आज सभी लोग मृत्यु के भय के मारे जीवन भर एक दासत्व में, मृत्यु के भय के दासत्व में से हमें छुड़ा लिया गया है, हमें छुड़ा लिए, इसलिए वो इस संसार में मनुष्य बनकर आया और अपना प्राण दिया और वो पुनरुत्थान भी हुआ और जाहिर किया कि मृत्यु के ऊपर भी उसको अधिकार है। आज स्वर्ग और इस पृथ्वी के ऊपर और सारी पृथ्वी उनके पैरों के नीचे है। प्रभु का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने सबको कहा। तो फिर दिक्कत क्या है? विश्वासी लोगों को पता है कि मृत्यु के भय से हमें छुड़ाया गया है, विश्वासी लोगों को पता है कि यीशु मसीह हमें जयवंत करता है, हमने वचनों में पढ़ा। तो फिर दिक्कत कहां पर है? क्यों लोग आज फिर भी एक डर के माहौल में सहमे से है? हम प्रभु के चेले हैं, हम प्रभु के अनुयायी हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, प्रभु के वचनों के ऊपर हम भरोसा रखते हैं। प्रभु इस संसार में आया, वो परमेश्वर का पुत्र है, ये हम विश्वास करते हैं और हमारे हृदय में विश्वास करके हम मुंह से अंगीकार भी करते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरा प्रभु है और मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं प्रभु का अनुयायी हूं। तो फिर भी दिक्कत क्या है? जो प्रभु के चेलों के साथ हुआ, शायद वो आज हर एक प्रभु के पीछे चलने वाले लोगों के साथ भी हो रहा है। हम देखना चाहते हैं कि प्रभु के चेलों के साथ क्या हुआ। जो उस समय प्रभु के पीछे चलते थे वो पूर्ण शिष्य नहीं थे, पर ट्रेनिंग में थे। जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, वो एक ट्रेनिंग में थे, चेला बनने की प्रोसेस में थे। हम भी शायद आज उसी प्रोसेस में हैं। आइए देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के साथ क्या हुआ था। मेरे साथ आप निकालिए मत्ती की किताब, उसका 14वां अध्याय। बुक ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 14 और 26 से लेकर 29 तक मिल गया सबको। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 26 से लेकर 29 तक, आप समझ सको पूरे कॉन्टेक्स्ट को।
यानी कि चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग झील को पसार कर रहे थे नाव में, और इतनी बड़ी हवा थी और वो उनकी नाव जिस दिशा में जा रही थी उनके विरुद्ध दिशा में थी, यानी कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत हले से वो लगाने पड़ते थे, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। 25वीं आयत, ओके 24वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। इसी के साथ यदि आप मरकुस की किताब पढ़िए 6 अध्याय से, हम उसकी 40 आयत पढ़ना चाहते हैं। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए, यानी कि मेहनत करके वो नाव को चलाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो हलेसा मारना पड़ता है, तो खेते खेते वो घबरा गए। पर वास्तव में वो घबराहट क्या थी, घबराहट के पीछे कारण क्या था? और सबसे पहले बहुत अहम बात है कि जब प्रभु ने देखा, प्रभु ने कैसे देखा? प्यारो, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो जानता है। जैसे अपने चेले उस मुसीबत में थे, वो मेहनत कर रहे थे, परेशान थे उस सामने से जो हवा आ रही थी उससे, वो परेशान थे, काफी मेहनत कर रहे थे। परमेश्वर को पता था, परमेश्वर को पता चला कि उनके शिष्य लोग मुसीबत में हैं, वो काफी मेहनत कर रहे हैं, और परमेश्वर ने वो देखा और परमेश्वर वहां से अपने चेलों के पास आए। पर चेले लोग घबराए हुए थे। प्यारो, घबराहट के पीछे जो है वो है डर। वो डर का जो कारण था वो हमने पढ़ा कि हवा सामने की ओर से आ रही थी, और उस सामने की ओर से जो हवा आ रही थी वो इतनी भारी हवा थी, इतना भारी वो तूफान था कि उनकी नाव डगमगा रही थी, और वो उनको चेलों को वो भय था कि शायद ये नाव पानी के अंदर डूब सकती है, शायद हम लोग मर भी सकते हैं। और उस घबराहट, वो जो घबराहट थी वो डर के कारण थी। उनके अंदर जो डर था वो बाहर घबराहट के रूप में दिखाई दे रहा था। आज लोग घबराहट के मारे हैं, घबराए। प्यारो, ये जो घबराहट है उसके पीछे है डर, और वो हमने देखा कि वो डर तो है मृत्यु का। हम देख रहे हैं कि दुनिया एक फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में पूरी परिस्थिति बदल गई। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर आज सब कुछ नॉर्मल नहीं है। इस घबराहट के पीछे क्या है? हमारा रूटीन पहले नॉर्मल था, हम एक नॉर्मल जीवन जी रहे थे, पर अचानक से ये बीमारी आ गई, पूरे संसार में फैल गई, और आज परिस्थितियां विपरीत है। घबराहट का वास्तव में डर क्या है? परिस्थितियां बदल चुकी है, संकटमय परिस्थिति बन चुकी है, लोग इसलिए घबराए हुए हैं। क्या होता है जब हम घबरा जाते हैं? घबराहट, हमने देखा कि अंदर डर है और बाहर वो घबराहट के रूप में, वो डर जो अंदर है वो घबराहट के रूप में बाहर आता है। मत्ती 14:26 वचन हमने पढ़ा कि चेले यीशु को झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए, पर मरकुस कहता है कि वो घबराए हुए थे। वास्तव में जो डर था उनके अंदर, वो आयत यदि आप आगे पढ़ोगे, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, इसलिए वो घबराए हुए थे। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने चाहते हैं। कई लोग हैं जो नहीं, गुजराती में हम बोलते हैं घरोड़ी, हिंदी में शायद छिपकली है ना। कई लोग चिपकली को देखते हैं, वो इतना चिपकली से डरते हैं, जब तक उनको देखा नहीं है उनको वो नॉर्मल होते हैं, एकदम नॉर्मल, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आसानी से घर में इधर उधर घूमते हैं, बैठे होते हैं। पर कई लोग चिपकली से इतना डरते हैं कि जैसे ही उस चिपकली को देखा वो चिल्ला कर, बाजू में जो भी पलंग कुर्सी सोफा जो कुछ भी होगा चिल्ला कर वो कूद कर उसके ऊपर चले जाते हैं और कूदते हैं, कूदते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं,
शायद उनका पैर वो चिपकली से टकरा गया होता है, वो चिपकली के जो पूंछ होती है वो टूट जाती है, वो और वो चिपकली की पूंछ वहां पर ऐसे ना हिलती रहती है। चिपकली चली गई है, फिर भी चिपकली तो चली गई है, फिर भी अपने बेड के ऊपर या सोफा के ऊपर कूदते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। शायद उनको लगता है कि वो टूटी हुई पूंछ, वो चिपकली की पूंछ अभी भी शायद उनको खा जाएगी। सामने चिपकली को ऐसा लगता है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा प्राणी मेरे सामने आ गया। चिपकली हमसे डरती है, हम चिपकली से डरते हैं। यहां वास्तव में जो घबराहट हम व्यक्ति के ऊपर देखते हैं, वो घबराहट क्या है? चिपकली का डर। वो घबराहट वो डर नहीं है, चिपकली का डर वो घबराहट का कारण है। उनका उछलना कूदना, उनका उछलना कूदना वो उस चिपकली के डर के कारण है। मत्ती 14 में भी वापिस आ जाते हैं, ये हम सिर्फ समझना चाहते थे ना, वापिस आ जाते हैं। विपरीत हवा के कारण चेलों के हृदय में, शिष्य प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे उनके हृदय में डर पैदा हुआ, और वो डर के कारण घबराहट हुई, चेले घबरा गए। और इसी डर के कारण वो लोग यीशु को देखकर भी, यीशु मसीह इसलिए रात के चौथे पहर में पानी पे चलते हुए चेलों के पास आया ताकि वो उनको तसल्ली दे, वो उनकी वो बताना चाहता कि मैं आपकी चिंता करता हूं, इस विपरीत परिस्थिति में मैं आपके साथ हूं, इस विपरीत परिस्थिति में मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मैंने आपको छोड़ा नहीं है, मैं आपको भूल नहीं गया हूं, मेरी आंखें आपके ऊपर लगी हुई है। इस विपरीत परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर चेले लोग जिस नाव के नाव से जा रहे हैं उनके साथ साथ वो चलते हैं। और क्योंकि शिष्य लोग डर में है, भय में है, घबराहट है, इस कारण वो प्रभु यीशु मसीह को जान वो देखते हैं। वचन कहता है मत्ती 14:26, चेले उसको झील पर चलते, उसको मतलब किसको? प्रभु यीशु मसीह को। उनको पता है कि ये प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह के जैसा दिख रहा है प्रभु यीशु मसीह। उसको देख कर भी घबराहट के कारण चिल्लाते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को, यीशु मसीह ना पहचान कर, यीशु मसीह ना जानकर कहते हैं कि यह तो भूत है। वो कहने लगे कि यह भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगे। क्या रो ये चेले जो थे, शिष्य लोग जो थे, डिसाइपल्स, उन्होंने कई चमत्कार देखे थे, उन्होंने मुर्दों को जिंदा करते हुए देखा था, रोटी और मछली में से कई सारे लोगों को खाना खिलाते हुए उन्होंने देखा था, कई लोगों को चंगा होते हुए उन्होंने देखा था। उस प्रभु यीशु मसीह को अब तक वो जानने की प्रोसेस में थे, पहचानने की प्रोसेस में थे, काफी कुछ जान चुके थे, फिर भी घबराहट के कारण वो इस समय पर प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे। प्यारो, इसको इस समय की परिस्थिति के साथ आप संलग्न कीजिए, कंपेयर कीजिए इस समय की परिस्थिति में। आज विश्वासी लोग डर के कारण, शायद घबराहट के कारण ये भूल चुके हैं कि कौन उनके साथ है, किसके पीछे वो चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आ सकता था, ये चेले लोग अभी विश्वास नहीं कर रहे और इसलिए कह रहे हैं कि यह तो भूत है, यीशु पानी पर चल रहा है, पता है उनको, फिर भी भूत समझ रहे हैं। कई चमत्कार देखने के बाद भी आज चेले लोग वास्तव में ये भूल चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो सर्व सामर्थी है वो पानी पर चल सकता है। प्रभु यीशु मसीह क्यों पानी पर आया? प्यारो, मरकुस की किताब में चले जाए 6 अध्याय में, क्यों प्रभु यीशु मसीह पानी पर आया? मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वो परेशान हो चुके हैं, सामने से जो विपरीत परिस्थिति है, विपरीत हवा है, उससे चेले लोग घबराए हुए हैं, ढांफ रहे हैं, वो काफी मेहनत कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह को चेलों की चिंता है, शिष्य लोग की चिंता है। प्यारो, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, परमेश्वर सबसे प्यार करता है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपको
प्यार करता है। चेले लोग की परेशानी को देख कर वो रह नहीं पाया, वो आ गया, पानी पर चलने लगा, उनके संग आया, उनके साथ आया। उनकी घबराहट की परिस्थिति में, उसकी उस विपरीत परिस्थिति में यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास आया। प्यारो, आपको क्या लगता है इस परेशानी में आपको देखकर यीशु मसीह आपके पास नहीं आया है? वो आपकी संभाल नहीं रख रहा है? क्या वो आपसे दूर रहता है? नहीं, वो आपके साथ है, आपके संग है, वो आपके संग चलना चाहता है। आपको खाना मिल रहा है, आप जिंदा हो, आप अच्छा खा। कई लोग फोटोज भेजते हैं कि आज उन्होंने क्या अलग अलग नहीं डिशेस बनाई है, अलग अलग डिशेस आप खाते हो, अच्छी डिशेस खाते हो। क्या आपको लगता है कि उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं है? पूरा संसार डर के माहौल में है, पर फिर भी आप अच्छे से रह रहे हो, आप अच्छे से खाना खा रहे हो, आप आराम से सो रहे हो। प्यारो, वो परमेश्वर आपके संग है, वो आपके संग चल रहा है। कई बार विश्वासी लोग भी डर जाते हैं, क्योंकि वो उनकी पहचान को भूल जाते हैं। डर के माहौल में, घबराहट के मारे, वो उसकी पहचान को भूल जाते हैं कि वो यही परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हमारी सहायता कहाँ से आएगी? हमने वचन में पढ़ा, कहां से हमारी सहायता आती है? उसी परमेश्वर के पास से हमारी सहायता आती है जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वो परमेश्वर हमारे संग रहता है, वो हमारी रक्षा करता रहता है सदा तक। हमने वचन में पढ़ा, वो सदा तक हमारी रक्षा करता है। प्यारो, ढांढस बांधे हिम्मत रखो। इसीलिए परमेश्वर को कहना पड़ा कि डरो मत, मैं आपके साथ हूं, मैं यीशु हूं, मैं ही हूं परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, मैं ही हूं परमेश्वर जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, मैं ही हूं परमेश्वर जो पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं ही हूं परमेश्वर जिसको मृत्यु के ऊपर अधिकार है, मैं ही वो परमेश्वर हूं जिसने मृत्यु के डर को आप में से निकाल दिया है, मृत्यु के डर से मैंने आपको छुड़ाया है, मैं ही वो परमेश्वर हूं। प्यारो, उस परमेश्वर ने कभी आपको छोड़ा नहीं है। मेरा यीशु आपके पास आया है, मेरा यीशु आपको संभालता है, आपकी सुधि उसने ली है, आपकी जरूरतों को इस कठिन समय में भी, इस ऐसे माहौल में भी मेरे परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी और आपकी जरूरतों को पूर्ति किया है, क्योंकि वो सबका परमेश्वर है, इस पूरे संसार का वो परमेश्वर है। प्यारो, कई लोगों को लगता है कि वो दूर चल गए हैं। प्रभु कभी हमसे दूर नहीं गए हैं, वो हमारे संग है। वो जब तक आपसे पूर्ति करता, चिंता करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपके आंसू को पोंछता है, वो तो उनसे भी प्यार है जो बिना चले, बिना आने, जो ये नहीं चल रहे हैं और ये के विरुद्ध बोलते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उनके विरुद्ध बोलते हैं, उनको ना जानते हुए। I am a good critic, मैं एक अच्छा क्रिटिक हूँ, और यदि क्रिटिक बनना है तो ऐसा होना चाहिए कि वो कौन है, वो कैसा है, उनके बारे में पुस्तक लिखा गया है, वो पुस्तक को पढ़ने तब मैं उनके बारे में बोलता हूँ। यीशु के विरुद्ध बोलते हैं, मेरा यदि क्रिटिक ना चाहे, अच्छा क्रिटिक ना चाहे, इनको शांत
वो नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे सीधे लोग डर के मारे उतर गए थे, आज कई लोग घबराहट में परमेश्वर अक्सर की चिंता है। इस मुश्किल घड़ी में आपके पास आया है, पास आया है। हमने देखा का प्रमाण है कि वो परमेश्वर हमारे संग है, हमारे साथ है। उन्होंने हमें छोड़ा नहीं है, उन्होंने हमें त्यागा नहीं है। प्रश्न ये है, क्या कौन है ये परमेश्वर? वास्तव में कौन है यीशु मसीह? कैसा है यीशु मसीह? कहां से वो आया है? कैसे वो पैदा हुआ? वो खुद में कौन है? Yeah.
परमेश्वर को पहना था, जब हमने उनके वचनों को अध्ययन किया था, कोई कथा में हमने जाकर उनके बारे में सुना था, हमने पहचाना था। जीवनों में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हर रोज उनकी भलाइयों को अनुभव करूंगा। अनुभव करो, अनुभूति करो और जान लो कि परमेश्वर उत्तम है। हमने उस परमेश्वर को जाना है, हमने उस परमेश्वर की भलाइयों को पहचाना है, हमारे जीवन में अनुभूति किया है। प्यारो याद करिए हर एक उन भलाइयों को, हर एक उन आशीषों को, हर एक वो परमेश्वर की महिमा को जो हमारे जीवनों में हमने अनुभूति की है। पुराने नियम में जब मूसा ने कहा कि प्रभु तेरी महिमा को मुझे दिखा दे, परमेश्वर की महिमा वहां से गुजरी, परमेश्वर की उपस्थिति वहां से गुजरी और वहां जाहिर हुआ कि परमेश्वर परमेश्वर यहोवा यहोवा वो दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो हजारों लोगों के ऊपर अपनी भलाई को प्रकट करने वाले परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी है। नए नियम में जब परमेश्वर ने अपना पहला चमत्कार उस काना गांव में किया, उस विवाह के प्रसंग में जब प्रभु यीशु मसीह ने वहां की जरूरत को पूर्ति किया, पानी में से दाखरस को बनाया, उन्होंने वहां लिखा है कि इस चमत्कार के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा, हमारे समय में परमेश्वर की महिमा वो चमत्कार है, मिरेकल गॉड आर ग्लोरी ऑफ गॉड, द कैरेक्टर ऑफ गॉड इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा वो उनका चरित्र है। हमारे समय में परमेश्वर की महिमा वो चमत्कारों के द्वारा, उनकी भलाई को हमें अनुभूति कराने के द्वारा, उनकी आशीषों को हमारे जीवन में हमें अनुभूति कराने के द्वारा वो अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। आइए प्यारो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं पास्टर क्रिस्टोफर को आगे अगुवाई करने के लिए आवेदन करता हूँ। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, सभी लोग आंखें बंद करें, यदि हो सकता है आपके द्वारा तो अपने हाथ आसमान की ओर, परमेश्वर की ओर आप खड़े करें। हम परमेश्वर को आदर देकर उनके चरणों में जाना चाहते हैं। आपकी जो भी जरूरतें हैं, मैं 30 सेकंड्स आपको देना चाहता हूँ। आपकी जो भी जरूरतें हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं, आप परमेश्वर को बताइए। घड़ी में अपने शिष्य लोग को परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं छोड़ा, वो खुद आ गया प्यारो, वो खुद आ गया, पानी पर चलने लगा, उनके साथ नाव में आया। आगे समय नहीं है हमारे पास कि हम देखें, पर आगे हम कंटिन्यू करेंगे परमेश्वर की अगुवाई रही तो। पर इस समय अपनी जो भी जरूरतें हैं परमेश्वर को बताइए, परमेश्वर को कहिए, और वो परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, वो हर समय हर जगह हमारे घर में है। प्यारो मुझे विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बोला है, आज आप सब ने इन वचन के द्वारा उनका अनुभव किया है, आपके घरों में आपने उनके प्रेजेंस का अनुभव किया है, उनकी प्रेजेंस आपके बीच में है। आप उनको कहिए आपकी क्या जरूरत है, क्या परेशानियां है, वो आपकी परेशानियों को दूर करना चाहता है, वो आपको देख रहा है, वो आपकी चिंता करता है, वो आपको प्रेम करता है, वो आपके आंसुओं को पोंछता है। आए प्रार्थना में जाए। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जितने भी लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, प्रभु हम सभी प्रभु के दास, हमारा दाहिना हाथ उनकी ओर उठाकर प्रभु उनकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, उनकी जो भी जरूरतें हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सभी के ऊपर आपके लहू को हम छिड़क देते हैं। प्रभु आपकी प्रेजेंस जो उनके बीच में है, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से
प्रभु आपने कहा है कि मेरे नाम से आप जो कुछ भी मांगोगे वो आपके लिए किया जाएगा। ये नाम सर्व सामर्थी नाम है, सब नामों से ऊपर ये नाम है। और उस प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम जाहिर करते हैं कि आपकी सभी जरूरतें, जैसे प्रभु का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर उनकी महिमा की संपत्ति में से आपकी सारी जरूरतों को पूर्ति करेगा। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए, आपकी सारी जरूरतें पूर्ति हो जाए। जो भी आज इन दिनों में आपकी जरूरत है वो यीशु मसीह नाज़री के नाम में आपके पास आए, आपकी जरूरतें पूरी हो। प्यारे परमेश्वर पिता, इनमें से जो लोग भी बीमार है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके हृदय मन आत्मा शरीर प्राण के ऊपर प्रभु यीशु मसीह में जो अधिकार हमें मिले हैं, उस अधिकार से उन सारी बीमारियों को हम डांटते हैं और हम उनको आज्ञा देते हैं कि इन शरीरों में से, उनके जीवनों में से दूर हो, आपकी चंगाई को वो प्राप्त करे। Be healed in the name of Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से चंगे हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह इस समय आपको छू रहा है, आपको चंगा कर रहा है, और हम ये टेस्टिमनी को सुनने वाले हैं। कई टेस्टिमनी को हम सुनने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन आपको चंगा किया है, आपकी जरूरतों को पूर्ति किया है। प्रभु उन लोगों ने जो कुछ भी मांगा है वो प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हो जाए। पवित्र आत्मा हर एक को छूकर आप आशीषित करिए। प्रभु उन जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सभी के घर की दीवालों, बारशाख चौखटों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह नाज़री आपकी वाचा के लहू को हम छिड़कते हैं, और प्रभु हम उनको प्रोटेक्टेड, सुरक्षित जाहिर करते हैं। प्रभु इन महामारी के बीच में आप हमारे संग हो, आप हमारी रक्षा करते हो, आप हमारी भलाइयों को, हमारी आशीषों को लेकर आने वाले परमेश्वर हो। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, सबको छूकर इस वचन के द्वारा आपने आशीषित किया है। सारी आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं। आमीन।